माइटोकांड्रिया एक्सेल ऑर्गेनेल है जो कि एरोबिक रेस्पिरेशन की साइट है, जिसके अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। माइटोकांड्रिया नॉर्मली नहीं सीन होता सेल के अंदर, ये स्पेशली जब स्टेनिंग इसकी होती है तभी हम इसको देख सकते हैं। नंबर ऑफ माइटोकांड्रिया जो है हर सेल में अलग अलग होती है, किस तरह का फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी है उस पर इनका नंबर डिपेंड करता है। इसकी शेप जो होती है वो सॉसेज शेप्ड या सिलेंड्रिकल शेप होती है, ये देख रहे हैं आप, एक लंबा सिलेंड्रिकल टाइप का शेप है। अगर हम इसके लेंथ की बात करें, डायमीटर की बात करें, तो डायमीटर इसका होता है 0.2 से 1 माइक्रोन मीटर और लेंथ इसकी होती है 1 to 4.1 माइक्रोन मीटर। ये एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है जिसमें यह आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है। इनर मेम्ब्रेन अंदर की तरफ इनफोल्डेड होती है, इनफोल्डेड होकर एक स्ट्रक्चर बनाती है जिसको कि हम लोग क्रिस्टी कहते हैं। ये जो स्ट्रक्चर इस तरह से है ये सब क्रिस्टी है। इसके ऊपर बहुत सारे F1 पार्टिकल या ऑक्सीसोम होते हैं जो रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। इसके अलावा इसके अंदर DNA भी पाया जाता है जिसको हम लोग माइटोकांड्रियल DNA बोलते हैं। इस इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो स्पेस होता है ये पूरा मैट्रिक्स बोला जाता है। इस मैट्रिक्स के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स भी पाए जाते हैं। माइटोकांड्रिया एरोबिक रेस्पिरेशन की साइट है और सेलुलर एनर्जी को प्रोड्यूस करती है जो कि ATP के फॉर्म में होती है, इसीलिए इसको पावर हाउस ऑफ सेल भी बोलते हैं। जो ये दो मेम्ब्रेन हैं इनके बीच के स्पेस को हम इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस बोलते हैं। ये मेम्ब्रेन्स के ऊपर ही डिफरेंट टाइप्स के एंजाइम होते हैं जो इस प्रोसीजर को कंप्लीट करते हैं, माइटोकांड्रिया के फंक्शन को कंप्लीट कराते हैं। माइटोकांड्रिया में अपना एक DNA भी होता है, इसके अलावा राइबोसोम भी होते हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, और बहुत सारे इसमें कंपोनेंट्स होते हैं जो कि मटेरियल्स होते हैं जो कि मैट्रिक्स में पड़े रहते हैं। तो इस तरह से ये एक सेमी ऑटोनॉमस बॉडी की तरह भी वर्क करता है। एक हम देखें तो ये एक प्रोकैरियोटिक सेल की तरह होती है, इसका राइबोसोम भी 70S टाइप का होता है। तो इस तरह से हम माइटोकांड्रिया को सेमी ऑटोनॉमस बॉडी भी बोलते हैं।